कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही हमारे लिए वैल्यू रखती है हमारी लाइफ में, और स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मंदिरों में टाइम लगाना, घर की पूजा करना, ज्यादा धार्मिक स्थलों पे जाना, इस तरह से। तो यहाँ ये वीडियो दोस्तों को क्रिटिसिज्म के लिए या किसी नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम एक तरफ इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। पूजा पाठ सबको करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ से ही हमारे जो कष्ट हैं वो कम होते हैं। हम अपनी पूजा पाठ से भगवान को प्रसन्न करके अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, और जो हमारे पे आने वाले संकट होते हैं वो भी टल जाते हैं या कम हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बात है दूसरी कि कुछ लोग दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ दोस्तों, कि घंटों घंटों पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, जो रूल्स होते हैं जो रिलीजियस को फॉलो करने के लिए, उनको फॉलो करेंगे, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हमने ये छोड़ा हुआ, वो सब बात बिल्कुल सही है। जिसके धर्म में जैसा हो करना चाहिए, और हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए। लेकिन उस पूजा पाठ के बाद उनका रवैया कैसा होता है, जब आप उनको उस समय देखेंगे पूजा पाठ करते समय, और आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जब जानेंगे या देखेंगे या उनके बारे में सुनेंगे, तो लगेगा कि इतनी पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा ना करो तो ही अच्छा है। भगवान भी कहेंगे कि क्या फायदा है इतनी पूजा पाठ का, एक तरफ तुम पूजा पाठ करते हो, एक तरफ तुम्हारे मन में इतनी जेलेसी है, इतनी तुम लोगों की बुराइयां करते हो, लोगों से जलते हो, लोगों के बाद में गलत गलत बोलते हो, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने आप तो एफर्ट्स लगाते नहीं हो कि आप उनसे आगे बढ़ो और ऊपर हो जाओ, बल्कि आप उनसे जलते हो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ना बोल के, क्योंकि आप सामने वाला गलत नहीं है, धार्मिक जगहें सबके लिए होती हैं, धार्मिक स्थल दोस्तों कॉमन प्लेसेस होते हैं, वहां कोई भी जाके पूजा पाठ कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये हमारी जागीर है, ये मंदिर है हमारा, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, जो हमने बना दिए वही होगा, या हम रेगुलर आते हैं तो सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, और जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं या धर्म में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो उनको उनसे क्या है वो जलने लगते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब नीचा कैसे दिखाते हैं, सामने तो बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, जैसे वो धर्म कर रहे हैं ऐसे उन्हें आता है, हम अभी सीख रहे हैं, बस फर्क इतना है। लेकिन वो क्या करते हैं, जब कुछ कॉमन चीजें होती हैं तो उसमें इनडायरेक्टली आपको ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आपको शेमफुल फील हो, या आपको ये फील हो कि इसको इतना आता है, आपको कुछ नहीं आता है। दोस्तों कहावत है ना, कोई बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं। और कहते हैं ना, जो धर्म होता है वो मन से होता है, भावों से होता है। अब वो भाव किसी के बहुत छोटी उम्र में जग जाते हैं, किसी के थोड़ी देर से होते हैं, तो ये अपने अपने भावों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे थोड़ा सा सुपीरियर है, कोई आपसे कम टाइम में आगे बढ़ रहा है, तो आप उससे जलें, राग द्वेष रखें, मंदिर में जा रहे हैं लेकिन आपके भाव बहुत बेकार है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे लोगों से, आज से ही वो ऐसी पूजा पाठ बंद कर दें, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि मेरी पूजा पाठ के बाद आप कुछ भी करो, ये सब चीजें करो, तो जो पूजा पाठ करी है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो उससे बेटर है साफ मन से आप पूजा पाठ करें, भगवान को अच्छे मन से याद करें, और सबकी सलामती की दुआ करें, जो आपको कहना है भगवान से कहें। ये नहीं एक तरफ आपने 2 घंटे मंदिर में लगाए, घर में आने के बाद वो ऐसी, कोई फायदा नहीं है। भगवान हमारे किसी भी धार्मिक शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप इस तरह से अपना व्यवहार बनाओ, या जो इतनी पूजा पाठ करते हैं तो उनका मन क्या है इतना मैला, बल्कि पूजा पाठ से तो हमारे भाव अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, और हमारे अंदर कहते हैं ना कि जो सेंसेस सोई हुई होती है हमारी वो जगती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा है वो जो हमने कहीं सुना होता है या कभी नहीं सुना होता वो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। किसी भी शास्त्र में ये सब नहीं लिखा होता, एक तरफ घंटों की पूजा पाठ, परहेज, और ये नहीं करेंगे वो करेंगे, ये छोड़ देंगे वो खड़े, दूसरी तरफ ये सब उल्टे सीधे काम जिनका कोई मतलब नहीं है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, कृपया करके ऐसे लोग पूजा पाठ ज्यादा टाइम ना करें, ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर उन्हें लगेगा हमने 2 घंटे पूजा पाठ करते हैं, हम ये सब करते हैं, हमें भगवान अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा है, हमारे कर्मों का फल हमारी पूजा पाठ जा कहां रही है, आपकी पूजा पाठ जो आप उसके बाद करते हो गलत काम उसमें जा रही है, तो उसमें भगवान का भी कोई दोष नहीं है, तो उस समय आप भगवान को दोषी ठहराओगे। तो भगवान कहते हैं सच्चा अपने घर रहिए, और अब अगर आपको अपना इतना धर्म करने के बाद अगर आप सोच नहीं बदल सकते, अपने आप को नहीं बदल सकते, तो ऐसा धर्म बिल्कुल भी मत करिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही मैंने जितने शास्त्रों में सुना है, जितने अपने घर के बड़े लोगों से सुना है, वो यही सुना है। तो धर्म करिए, स्वच्छ मन से करिए, सबके लिए अच्छे भाव रखिए, और दिन पे दिन अपने जो राग द्वेष है उन्हें खत्म करिए, ये कि नहीं उन्हें बढ़ाइए और दूसरों से जलिए। तो यही छोटा सा मैसेज दोस्तों मुझे आज आप तक पहुंचाना था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली सोचिएगा, समझिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जिसको ये बात सही लगे ना जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा कहना सही है, क्या मेरा सोचना सही है या गलत है। तो यही थी दोस्तों आज की एक वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।